जय हिंद दोस्तों, फौजी अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक्स सर्विसमैन के चिल्ड्रंस के लिए एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम को लेकर आए हैं, जो कि है प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में देखेंगे और जानेंगे एक्स सर्विसमैन या उनके चिल्ड्रंस इस स्कॉलरशिप को कैसे ले सकते हैं, स्कॉलरशिप लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबल होने के लिए मिनिमम कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए होते हैं, अप्लाई करने से पहले किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और इसे अप्लाई करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है। इन्हीं सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम ऐसे ही डिफेंस वेलफेयर से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं, तो अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम होती क्या है। देखिए, ये हायर टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन को एनकरेज करने के लिए एक्स सर्विसमैन या एक्स कोस्ट गार्ड के चिल्ड्रंस के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी 2006 में। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो देखिए, इसमें सबसे पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है वो प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, और दूसरा स्टूडेंट के ट्वेल्थ में या फिर डिप्लोमा में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। वहीं सेकेंड ईयर या उससे सब्सिक्वेंट ईयर्स वाले स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसके लिए उन्हें रिन्यूएबल इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। वहीं हम स्कॉलरशिप अवेलेबिलिटी की बात करें तो देखिए, इस स्कॉलरशिप में हर साल 5500 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें स्कॉलरशिप को इक्वली बॉयज एंड गर्ल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी 2750 गर्ल्स एंड 2750 बॉयज ईच। और ये स्कॉलरशिप सिर्फ कोर्स की ड्यूरेशन तक ही मिलती है, जिसमें बॉयज के लिए 2500 पर मंथ और गर्ल्स के लिए 3000 रुपीज पर मंथ मिलते हैं उनकी एजुकेशन के लिए। अब अगर इसमें एलिजिबल कोर्सेज की बात करें कि कौन कौन से कोर्स इस स्कीम के अंडर आते हैं, तो इसमें प्रोफेशनल डिग्रीज आ जाती हैं, जैसे बीई, बीटेक, बीडीएस, एमबीबीएस, बीएड, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा आदि, जो कि किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से होने चाहिए। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स स्कॉलरशिप स्कीम को अप्लाई करने से पहले आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, इसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है एक्स सर्विसमैन या कोस्ट गार्ड सर्टिफिकेट। इस पर अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो जिला सैनिक बोर्ड, वहीं अगर आप एक्स कोस्ट गार्ड हैं तो कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर के साइन होंगे। सेकेंड डॉक्यूमेंट है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। इस पर स्टूडेंट के कॉलेज के वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डीन या डायरेक्टर के साइन होंगे। थर्ड डॉक्यूमेंट है एक सर्टिफिकेट बैंक की तरफ से, जिस पर लिखा हो कि स्टूडेंट का बैंक अकाउंट उनके आधार कार्ड से लिंक है। इस पर आपको बैंक मैनेजर के साइन करवाने हैं। अब इन तीनों ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को आप KSB की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको KSB के होम पेज पर जाना है। होम पेज पर आपको PMSS पे जाना है। उसके बाद न्यू एप्लीकेशन में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे आपको क्लिक करना है। इस पेज पर आपको नीचे तीनों फॉर्म्स मिल जाएंगे, Annexure 1, Annexure 2, Annexure 3 के फॉर्म में। इनको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसी लिस्ट में हमारा फोर्थ डॉक्यूमेंट है 10th क्लास की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन के लिए। फिफ्थ डॉक्यूमेंट में यदि आपने 10th के बाद 12th की है तो 12th क्लास की मार्कशीट, वहीं आपने 10th के बाद अगर डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा की सभी सेमेस्टर्स की मार्कशीट की फोटोकॉपी। 6th बैंक के पासबुक की पहले पेज की फोटोकॉपी, जिस पे आपकी सभी बैंक डिटेल्स मेंशन की गई हों। 7th डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट के आधार कार्ड की स्कैंड कॉपी। वहीं हमारा लास्ट डॉक्यूमेंट है एक्स सर्विसमैन की PPO की स्कैंड कॉपी या फिर ECM के आइडेंटिटी कार्ड की स्कैंड कॉपी। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की स्कैंड कॉपी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम अपलोड करनी है। अब देखते हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अब इसमें पहला पॉइंट है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी स्टूडेंट की ही होनी चाहिए। आप अल्टरनेट नंबर में ESM का नंबर डाल सकते हैं, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम वही ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था। सेकंड, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जब आपकी वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन के टाइम पे KSB द्वारा मेंशनड प्रॉब्लम या इशू को आपने 10 दिनों के अंदर ठीक करना है। अगर आप ये नहीं करते तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसके बाद आपको PMSS पर जाकर इसे ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। अगर आप इस पर भी डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं कि इसे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, हम इस पर जल्द ही वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो प्राइम मिनिस्टर्स स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।